इस मीनार को देखकर मुझे बाबा कायद आजम याद आ जाते हैं। इसी जगह खड़े होकर उन्होंने ऐलान किया था कि बन के रहेगा पाकिस्तान। यार कैसे दलेर उच्चे सच्चे और बहादुर लोग थे बाबा कायद आजम और उनके साथी। न लोभ न लालच न अपना ख्याल, बस एक ही धुन थी, बन के रहेगा पाकिस्तान और पाकिस्तान बनाकर अपना काम पूरा करके चलेगा यहां से। और हम उस पूरे काम के टुकड़े टुकड़े करने पर लगे। कायदे आजम कितने साफ सुथरे और खुशपोश थे और हम उनके पाकिस्तान में क्रांति फैला रहे हैं। अपने अपने हिस्से का गंध सब साफ कर दो नवाब आजम तो पाकिस्तान खुद ब खुद साफ हो जाएगा। हाँ,